लेकिन अगर आप चाहेंगे जी राती रात ही रात जो है ना आप जो है जो स्टार बन जाए और उसके बाद सब काम हो जाए तो ऐसा नहीं होता इसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है सोर्सेज होती हैं वर्किंग होती है उसके बाद बंदा जाकर कहीं पर अपनी जगह पर पहुँचता नेम इज़ डॉक्टर सईद मोहम्मद अली शाह आई है वर्किंग एट महारा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन अ डिपार्टमेंट ऑफ़ ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन एज ए मैनेजर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल लिंकेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हर चीज़ हार्ड वर्किंग से होती है एक्चुअली ठीक है हर एक का एक बैकग्राउंड होता है जिसको uh, कुछ लोगों को वो ईज़ली मिल जाता है और कुछ लोगों को उसके लिए हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है जिसको ईज़ी मिलता है वो अल्लाह की तरफ़ से होता है और कुछ हार्ड वर्कर्स होते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से होती हैं कुछ अल्लाह की आजमाइँ उनके साथ होती हैं जो उनको लेके जानी होती हैं साथ करनी होती हैं तो इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं कि और उसके आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप ये हार जाएँ कि जी अल्लाह ने हमें नहीं दिया तो अल्लाह ने हर एक को मौका देता है हर वक्त मौका आता है लेकिन बंदे को समझने के लिए सलाहियत चाहिए कि वो मौका कब आ रहा है और उसको पकड़े आगे पकड़े उसके ऊपर जाए उसके ऊपर काम करे ठीक है हार्ड वर्किंग से भागना चाहिए और हार्ड वर्किंग हमेशा अपना रिजल्ट देके जाती है ठीक है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आप बैठे रहें और उसके ऊपर आपको कुछ चीज़ मिलती चली जाए इस तरह नहीं होता एक्चुअली इसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं डिफरेंट स्पेक्ट्स में करनी पड़ती हैं कि यार आ, आपकी सोच पॉजिटिव लेकर आनी पड़ती है हर चीज़ को पॉजिटिव में लेकर कन्वर्ट करना नेगेटिव है ना वो हार्ड वर्किंग इन हर्डल होती है वो आपको कहीं भी लेके जाएगी सिवाय वाई है कि आप अपने अंदर पेशेमान हो जाते हैं और आप वो चीज़ नहीं पा पाते जिसके लिए आप ख्वाहिश कर रहे होते हैं ठीक है तो इसके लिए हर एक के पास एक टाइम मिला देता है तो उसके अंदर काम करना पड़ता है ठीक है अब आती है बात कि हार्ड वर्किंग किस तरह की जाए क्या चीज़ हो उसके अंदर ठीक है इसमें सिर्फ आपकी अपनी कि जी मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे काम नहीं हो रहा ऐसी चीज़ नहीं होती है इसमें दुआएं भी बहुत काम आती हैं इसमें आपकी सोच काम आती है इसमें आपके घर वाले मदद करते हैं इसमें आपके कोलिग्स मदद करते हैं इसमें आपका अपना डिपार्टमेंट मदद करता है इसमें सारी सराउंडिंग्स इवन कायनात भी आपकी मदद करती है ठीक है कायनात एक बहुत वसी डायमेंशन है हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो ये कायनात है हम मर जाएंगे तो ये कायनात ख़त्म हो जाएगी नहीं कायनात इसके बाद भी चल रही है इतने लोग आए इतने लोग चले गए ठीक है कायनात फिर भी चल रही है दुनिया फिर भी चल रही है और हम तो बहुत मल्टीपल डायमेंशंस में हैं कि जी आ, हमारी फिज़िकल डायमेंशनस भी मुख्तलिफ हैं बहुत सारी ठीक है ना ये समझने के लिए हमें एक और जो है ना ये सेशन करना पड़ेगा मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा लेकिन ये कि इन सब चीज़ों के अंदर डिवाइन जो आपके पास फोर्सेस हैं ठीक है वो आपको हेल्प आउट किस तरह हैं करते हैं कि आप अपने बारे में सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं आप उसकी पॉजिटिविटी के ऊपर देखें ठीक है उसकी पॉजिटिविटी ये कि वो किस तरीके से कर रहे हैं आप और उसके अंदर कोई नुक्स ना निकालें उसकी अच्छाई देखें उसकी जब आप अच्छाई देखेंगे तो जो कायनात होगी और बाकी अच्छा इसमें सिर्फ ये नहीं कि अच्छाई अपने लिए देखें इसमें बाकियों के लिए भी देखें बाकी के जो देखेंगे क्योंकि आप दूसरों की मदद करोगे अल्लाह आपकी मदद करेगा ठीक है अल्लाह इसबाब बनाएगा आपको वो काम तक पहुँचाने के लिए वो टारगेट तक अचीव करने के लिए ठीक है ना इसके अंदर इसमें जो फोर्स हैं वो मेरा अपना बिलीव यह है कि मैं जो देखता हूँ इसके अंदर मैं अपने जो फील करता हूँ वो वो सोर्सेज होती हैं वो सोर्सेज आप जो नज़र नहीं आती हमें ठीक है मतलब ये कि माहौल अपने आप क्रिएट होता है आपके लिए ठीक है एक चीज़ होती है आप सोच रहे हैं यार मैं जा रहा हूँ कभी आप सोचते हैं पाँच मिनट के लिए सोचते हैं यार काश मेरे पास ये चीज़ होती है और अचानक से वो आपके पास आ जाती है ये क्या चीज़ है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है जिसको ख्वाहिश ने जिसको डिवाइन फोर्सेस uh, ने एक्सेप्ट किया और वो किसी तरीके से समहाओ आपने पूरी करके आपके सामने ला खड़ी कर दी फिर आप ये कहते हो कि यार ये तो बहुत ईजी था ये तो मैंने किया हालांकि ऐसा नहीं है ये सिर्फ़ आप अकेले नहीं थे उस काम को करने के लिए ये बाकी सारी फोर्सेस बाकी सारे लोग उनकी हेल्प उनका बैकग्राउंड उनकी सोचें उनकी उनकी मेहनत वो भी आपके लिए काम आई है वो ये काम करने पर उसने मजबूर किया वहाँ तक अचीव कर पड़े अच्छा सोच सिर्फ पॉजिटिव रखनी है नगेटिव नहीं है नेगेटिव इन सेंस रखनी होती है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे कि अगर आप उस पॉजिटिव सोच के अंदर ने, नेगेटिव या नेगेटिव सोच के अंदर पॉजिटिविटी आप इस तरह सोचेंगे कि अगर आप ये बुरा काम करते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा आपका ठीक है ना अच्छा दुनिया हमारे पास जो इस वक्त आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जो कि मैं देख रहा हूं मेरी नज़र से कि आपको वो कहते हैं कि जी आखिरत में हिसाब किताब होगा तो पता चलेगा जब कबर में जाने के बाद पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि क्या होता है नहीं ऐसा कोई नहीं है आजकल अलामामिया के पास भी बहुत ज़्यादा जो ना क्विक रिस्पॉन्स चल रहा है काम का आपको जदा से ज़्यादा फ़ौरन यहीं पर इनिशियल स्टेज पे मिल जाती है ठीक है आप जो अच्छा कर रहे हैं आपको वो भी मिल जाता है आप जो बुरा कर रहे हैं उसका उसका जो आपको रिवॉर्ड है वो भी यहीं पर मिल जाता है इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता किसी ना किसी समय तो क्योंकि जब आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको रिवॉर्ड आपको पॉजिटिव चाहिए तो आप ऐसे जो एनेथिकल काम है वो करें ना हर एक के साथ अच्छा दूसरे काम अकेले नहीं होता है। एक टीम वर्क के साथ होता है टीम वर्क ज्वाइन करें अकेले वो कहते हैं एक उंगली से कुछ भी नहीं होता बंदे को मुट्ठी बनानी चाहिए टीम वर्क करनी चाहिए तो फिर उसके बाद कोई चीज़ आप किसी सक्सेस स्टोरी पर जाकर पहुँचते हैं ठीक है कि एक कोई प्रेजेंट जागता है कहीं पे वो अकेला नहीं पहुंचता उसके पीछे पूरी उसकी लॉबी लगी होती है पूरा टीम वर्क चल रही होती है पूरे उसके दोस्त यार लगे होते हैं घर वाले लगे होते हैं Uh, मोहल्ला होता है ख़ानदान होता है और डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको ऊपर पहुँचाने के लिए ठीक है ना हर चीज़ के तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि वो आपके साथ पॉजिटिव हो आपको उनके साथ पॉजिटिव होना पड़ेगा ठीक है आपको उनके साथ पॉजिटिव ताकि वो आपकी पॉजिटिविटी में शेयर करें आपके साथ ताकि वो आपको पुशअप करें कि आप वहाँ तक जा पाएँ जहाँ तक आप रिक्वायरमेंट है आपकी जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं प्रॉब्लम हर जगह पर आती है प्रॉब्लम्स फेस करनी चाहिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है हर जगह पर लेकिन मुँह नहीं मोड़े ठीक है ना फेस तो बंदा देखें हर जगह पर ऐसा नहीं आता है। हर चीज़ अच्छी अच्छी मिले कहीं पर ख़राबी मिलती है कहीं पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी होती है हार्ड एरियाज भी मिलते हैं जगह पर तो उनको आपने मैनेज करना पड़ता है यही टैकल जो जो टैकलिंग होती है कंडीशंस की या सोर्सेज की यही आपको हेल्प आउट करती है कि उस उस जगह की जो प्रॉब्लम है रास्ते में जितनी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है उसमें ये होता है जो हमने सीखा है कि जो भी चीज़ आ रही है उसके साथ मदद करो और अपने रास्ते तक पहुँचो उसमें किसी को नीचे नहीं दिखाना होता ठीक है नीचे दिखा कर आप ऊपर बढ़ेंगे तो ज़्यादा देर ऊपर नहीं टिक पाएंगे अच्छा ग्राफ स्लो स्लो चलना चाहिए आपका स्लोली 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 ऊपर बढ़ें तो आप मेंटेन सस्टेन कर जाएंगे वो टॉप एरिया जो टॉप पीक आएगी वो आप मेंटेन कर पाएंगे लेकिन अगर आप चाहेंगे जी रात ही रात जो है ना आप जो जो स्टार बन जाए और उसके बाद सब काम हो जाए तो ऐसा नहीं होता इसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है सोर्सेज होती हैं वर्किंग होती है उसके बाद बंदा जा कहीं पे अपनी जगह पे पहुंचता है ये सब चीज़ों के अलावा बंदे में एक एक हम्बलैस होनी चाहिए हर एक के साथ दूसरे को नीचा ना दिखाए किसी चीज़ के अंदर कि जी वो तो मेरे से छोटा है और मैं उससे बड़ा हूँ तो मैं उसके साथ नहीं बैठूँगा या मैं उसके साथ ये मैं फिर थोड़ा सा जो ना इस मामले में आऊँगा हम लोग अशरफुलमखलूत हैं नॉर्मल इंसान है ह्यूमन बीग्स है कोई ऊपर आज किसी की बारी कल किसी की बारी है तो हमें हर एक के साथ नॉर्मल बिहेव करना चाहिए हाँ कैटेगरीज हमारे जो बनाई हुई हैं दुनिया में वो बनाई हुई हैं वो बैलेंस करती हैं बज जगह पे लेकिन सबको एक इंसान के तरीके से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तरीके से ट्रीट किया जाए ताकि वो आप भी देखिए कोई भी कोई भी इस दुनिया में बेकार नहीं आया हर एक का कोई ना कोई मशरफ है चाहे अगर वो आपके लिए एक गिलास पानी भी लेकर आ रहा है तो वो उस दिन पानी लेकर आ रहा है आपके लिए वो आपसे लेकर नहीं आ रहा कुछ देकर जा रहा है तो जो चीज़ आ रही है वो पॉजिटिव है आपके लिए ठीक है ना उसको आप एक्सेप्ट करें अपने दौर के अंदर अपने लिए अपने बेनिफिट के लिए कि फ़ोकस आपका ज़रूरी होना चाहिए काम के अंदर आप अपने काम को जो है ना इबादत के तौर पे लें ठीक है जिस तरह इबादत हम लोग पांच वक्त करते हैं शल, नहीं करते लोग लेकिन मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ कि उसको इबादत की तरह लें ठीक है इबादत का मतलब ये कि आपने रेगुलरली वो काम करना है टाइम को देना है उस चीज़ को टाइम देना है जब आप उस चीज़ को टाइम देंगे ना वो चीज़ आपके लिए सपोर्ट करेगी बहुत चीज़ें होती हैं ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना हर चीज़ अपनी जॉब को या अपने सीट को या किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं ठीक है और आप उससे बेनिफिट ले जाए सवाल ही पता नहीं होता आपको उस जगह को टाइम देना पड़ेगा उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी वो सीट फिर उसके बाद आपको रिवॉर्ड देगी ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी आप खाली बैठ जाएं और आप अपने आप आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए कहीं पे भी नहीं होता रिवॉर्ड मिलेगा जब आप फुल डेडिकेशन से काम करेंगे डेडिकेशन मीन्स अपने ऑफिस में अपनी जगह पर हर चीज़ का ख्याल रखें जो चीज़ भी है और, और एक एक और चीज़ है कि सिर्फ हम लोगों से बातें नहीं करते जो इस दुनिया में जो मटेरियल चीज़ें ना वो भी आपसे बातें करती हैं ठीक है उनका भी ख्याल रखें कोई टूटी हुई चीज़ पड़ी है आपने वो सेट कर दी कोई ख़राब चीज़ है उसको साफ़ कर दिया ठीक है वो चीज़ देखिए हमसे बात इस तरह करती है कि आप फर्श करें को एक टूटी हुई चीज़ को जोड़ दिया आपके साइड पर ला रख दी वो ठीक है साइड पर ला रखने से क्या होता है वो अच्छी लगेगी खूबसूरत लगेगी नस्बत ये कि वो एक टूटी हुई चीज़ कोने में कचरे में पड़ी हुई वहाँ पे तो उसका तो कोई मसरफ नहीं वो तो ख़त्म हो गई चीज़ लेकिन जब वो सही होकर साफ़ सुथरी होकर आपके पास रखी गई तो आपकी वैल्यू बढ़ा दी उसने आपका फ़ोटोग्राफ़ अगर यहाँ पर हो गया तो फ़ोटोग्राफ बढ़ गया कोई अच्छा हो गया खूबसूरत क्वालिटी आ गई इसके अंदर ठीक है ये सब चीज़ डेडिकेशन फ़ोकस के साथ ये आनी चाहिए मतलब हर चीज़ पर आप जो ना इस तरह नहीं करेंगे किसी चीज़ को आप छोड़ दें हर काम के अंदर छोटी से छोटी चीज़ को भी ना आप इशू ना बनाएं और उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है जो चीज़ है उसके अंदर उसको मैनेज करें और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि जो आपके पास है जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है ठीक है ना चाहे कुछ भी है एक छोटी चीज़ है आप उस पर बिलीव करें कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है ठीक है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपके पास है बस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ आप इसमें किसी के साथ जैलिस ना करें कि जी उसके पास बड़ी गाड़ी है या उसके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं उसके पास अच्छी जॉब है नहीं अल्लाह मियाँ हर एक को देता है हर एक के हिसाब से हर एक की मेहनत कर सकता तो आपने इतनी मेहनत की है जो आपको मिल गई वो चीज़ आप ज़्यादा मेहनत करें दिन रात मेहनत करें अल्लाह मियाँ जिसकी ख्वाहिश करेंगे अल्लाह मियाँ पूरी करेगा वो पूरी ठीक है ना तो इस इस चीज़ को डेडिकेशन के ऊपर यहाँ पे मैं बात करूँगा इस पर कि ख्वाहिशात के साथ जो ना इसको मैनेज ना करें कि आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं सब चीज़ों के साथ क्या चल रहा है हर एक के लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं मैं अपना एक छोटा सा लाइफ uh, एक्सपीरियंस मैं मलेशिया से मैंने पी की uh, वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पे मैं पी एच डी करके तो मैं हर महीने अपने बाबा का इंतजार करता कि मुझे थोड़े पैसे भेजेंगे तो मैं ट्यूशन फीस दूंगा घर का खाना चलाऊंगा तो एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं छोटे से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या फ़ील करता हूँ uh, और मैं किस तरीके से uh, करना चाहता हूँ लोगों के साथ मैं आ, वहाँ पर गया मेरे ये होता था कि मेरे कभी भी मेरे पास ज़्यादा पैसा होता था तो मैं अपनी गाड़ी में या घर पे बुला के लोगों को इनवाइट किया खाना दोस्तों को जो हॉस्टल में होते थे तो उनको बुलाकर मैं सब जगह एक जितना अगर मेरे साथ ज़्यादा पैसा होता था मैं खिलाकर एक बड़ा देगा बना के खुद बनाता था और सब दोस्तों को इनवाइट करके कर कहता था यार बीच में शेयर करते हैं आज पार्टी करते हैं पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत कोई अच्छे कपड़े पहने हुए जिस कपड़े में पहने होते थे हम हाँ लोग भी जाएँ क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो फिर हम सब लोग मुस्किन हो जाते हैं नॉर्मल तरीके से क्योंकि हमारे पास हमारे बात और अल्लाह के अलावा कोई नहीं होता एक दूसरे की बात सुनने के अलावा तो हम सारे जो ना अल्लाह की मदद के साथ चल होते हैं अगर कोई दूसरा ज़रा सी मदद कर देता है तो हम वो बहुत खुशी फील करते हैं उसके अंदर हमें बहुत मद मच्छा लगता है वो सब चीज़ तो मैं दोस्तों को बुलाता तो मैंने कहा आएँ खाएँ बैठते हैं थोड़ा वक्त एक एक महीने में किसी एक महीने के अंदर मुझे याद नहीं वो टाइम में मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए बिल्कुल मेरे पास उस वक्त आप ये समझें कि डेढ़ सौ रुपये पाकिस्तानी बचे डेढ़ सौ रुपये पाकिस्तानी बचे पैसे आने में मुझे एक हफ़्ता था तो मैं इंतज़ार करता तो मैंने कहा ये मैं डेढ़ सौ रुपये किस तरह गुजारूँ कि मैं किसी से मांगना भी नहीं पड़े और मेरा गुज़र सफ़र भी हो जाए मेरा पेट भी भर जाए मेरा टाइम भी निकल जाए तो मैंने ये सोच कर अपने डेढ़ सौ रुपये से एक, एक दिन से स्टार्ट किया मैंने कहा आज है ना आज नाश्ते के पैसे थे मेरे पास नाश्ता किया उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा मतलब खाना नहीं खाऊँगा आज का मैं छुट्टी कर लेता हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह आपकी किस तरह मदद करता है ठीक है आपकी सोच के ऊपर मैंने वहाँ पर सोचा कि जी मेरे पास कुछ भी नहीं है इस पैसे बचा लेता हूँ आज नहीं खाऊँगा अगले दिन खाऊँगा मैं पैसा से पैसे से खाना लेकर थोड़ा सा खाना खा लूँगा हालाँकि ज़्यादा महंगा नहीं था लेकिन मेरी सोच की बात है कि मैंने ये सोचा कि मैं इस तरह करूँगा मैं अपने उस नतीजे पे आना चाह रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी तो देर से कि अल्लाह किस तरीके से आपकी मदद करता है और माहौल किस तरीके से आपकी मदद करता तो मैंने पैसे बचाए मैंने कहा यार आज मैं दिन में नहीं खाना खाता मैंने सुबह नाश्ता किया दोपहर को स्किप किया रात को मैंने खाने के लिए गया वहाँ पर तो रात को मैंने खाना नहीं खाया मैंने कहा यार कोई बात नहीं सुबह नाश्ता अगले दिन कर लेते हैं थोड़े पैसे तो पेट भरा हुआ अगले दिन नाश्ता कर लेते हैं तो वहाँ पे मैं Uh, मैंने आज छोड़ दिया मैंने कहा नहीं थोड़ी देर के बाद मुझे एक कॉल आई मोबाइल पर जो इनके साथ मैं बैठता था उन्होंने मुझे कॉल की अली आप जो ना यार यहाँ पे आ जाएं और हम लोगों ने एक गेट टुगेदर रखी है बड़ी पार्टी है आज खाना यहाँ पे खाएंगे आप हमारे साथ अगर खाया नहीं तो हम मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाया तो कहते आप फ़ौरन हमारे पास आ जाए हम आपका इंतज़ार करें उसके बाद ही खाना खाएँगे तो हम मैं उनके पास चला गया और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे पेट भर के खाने को दिया जो मुझे अच्छा से अच्छा खाना दिया जो मतलब मैं सोच रहा था उससे भी अच्छा मुझे वहाँ मिला ठीक है इसमें मैं अपने आप को नीचा नहीं समझ रहा कि मैं किसी जगह पे गया या मेरे पास पैसे कम थे मैं उनके पास जला गया उन्होंने खाना खिलाया मैं आ गया अगले दिन हुआ दूसरे दिन स्टार्ट हुआ मैंने मेरे पास फिर वही डेढ़ सौ रुपये बचे मैंने कहा ठीक है अभी मेरे पास छः दिन बचे एक दिन गुजर गया सात दिन आप किस तरह ही मैनेज करके मैंने कहा फिर मैं आज जो ना वो करता हूँ फिर बचत का स्टार्ट करता हूँ कि मैं थोड़ा सा सुबह का नाश्ता करता हूँ फिर दोपहर का नाश्ता करूँगा उसके बाद फिर मैं रात को देखूँगा रात को स्किप कर दूँगा मैंने दोबारा रात को खाना छोड़ा दोबारा मुझे एक और बंदों ने कॉल की कि आप आए और हमने आपके लिए खाना तैयार किया हुआ है और जब तक आप नहीं आएंगे हमें से कोई खाना नहीं खाएगा मैं जब वो खाने पर पहुँचा जब मैंने खाना खाया तो मेरे आंसू निकले उस वक्त ठीक है इसलिए नहीं कि मैंने वो खाना खाया इसलिए कि मैंने अल्लाह को बहुत करीब से देख लिया उस वक्त कि मैं अल्लाह को पहचाना कि उसको पता है कि मैं पैसे नहीं खर्च करना चाह रहा मैं पैसे बचाना चाह रहा हूँ अपने ताकि मैं अल्लाह लेकिन उसने मुझे बताया कि तुम कौन होते हो जो पैसों के पीछे और अपनी खुराक के जब रक़ देने वाला मैं हूँ तो तुम क्यों फ़िक्र करते हो किसी चीज़ की मैं घर पर वापस आया और जो जो मेरे पास पैसे थे मैंने उनसे लेविश तरीके से सुबह के नाश्ता किया दोबारा खाना किया और रात का खाना भी खाया और पैसे मेरे ख़त्म हो गए अगले दिन जब सुबह सुबह मुझे उठा तो मुझे कॉल आई कि आपके पैसे आ गए हैं जो एक हफ़्ते बाद आ रहे थे वो तीन दिन में आ गए ठीक है और फिर मैंने उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने कहा अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करना कि मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा कि जो कुछ मेरे पास है वही है और जो भी कुछ मैं कर सकता हूँ और क्योंकि अल्लाह तो अल्लाह है अल्लाह बेनियाज है सबको देता है उसने मुझे किस तरीके से दिया मुझे नहीं पता लेकिन उसने मुझे एक सबक ज़रूर सिखाया कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरा दिया हुआ है ठीक है और मेरी दी हुई चीज़ों को तुम नेमत के तौर पे लो और खर्च करो चीज़ों के अंदर से ठीक है और बाकी ये चीज़ें है कि किसी के साथ बुरा नहीं करें और हर एक के साथ अच्छा सोचें अच्छी चीज़ करें बस मेरी यही है कि आ, पॉजिटिव थिंकिंग करें पॉजिटिव बिहेवियर रखें अपना